हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस, कुछ इस तरीके की इमेज के ऊपर रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एनिमेशन वाले इमेज दिख रहे हैं आपको। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसे अपनी प्रोफाइल पे आप लगा सकते हो अपने नाम के साथ। और मैं इसके अंदर आपको एक लास्ट मीटर में बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके अंदर आप कुछ इस तरीके की इमेज में अपना फेस डाल सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सिंपल सा देख सकते हो मेरा मोबाइल का इंटरफेस जो है आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी हमें करना क्या है, सिंपल सा आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है। मैं एक ऐप का नाम बता रहा हूँ, उसे अपने आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कोई वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा प्ले स्टोर पे चले जाना है और इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसका नाम है बिगिंग चैट विथ AI एंड 4th GTP जनरेशन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं सिंपल सा इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक अपनी साइनिंग कर लेना है, अपना जो ईमेल मतलब जो भी ईमेल रहेगा उसे आप साइनिंग कर लेना। वो तो नॉर्मल है, आप कर सकते हो, सिंपल सा आप उसे साइनिंग कर लेना। साइनिंग करेगा तो इस ऐप को ओपन कर लेना। ऐप ओपन कर कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आपको एक मिल रहा है इमेज क्रिएटर का। अगर ये आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप ऐप वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से भी इसे ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका ऐप वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है। तो यहाँ पे इसके नीचे करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इमेज। ये जो इमेज वाला ऑप्शन है इसे ऑन कर लेना, देख सकते हो। एक मिनट, ये इमेज क्रिएटर वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसे ऑन कर लेना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 11 कॉइन मिलने वाले, आपको साइनअप करोगे तो आपको 15 मिलेंगे। ऐसे 11 मेरे हो चुके हुए। यहाँ पे आपको एक से एक वॉल पेपर मिलने वाले देख सकते हो यहाँ पे। अब बता देता हूँ कि आपको कैसे इधर पे अपना खुद का सोशल जो भी आपको नाम से एक एनिमेशन क्रिएट करना है वो कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको ये वाला देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्सएप में चले जाता हूँ अपने। तो व्हाट्सएप पे मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो मेरा जो है यहाँ पे जो मैंने ये वाला टाइटल डाल के रखा है जो ये वाला, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। नहीं तो इसका जो मैं लिंक रहेगा वो इसका जो भी जो टेक्स्ट रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपल सा जो ये वाला ऊपर वाला जितना भी है इसके यहाँ पे से हमें कॉपी कर लेना है। देख सकते हो यहाँ नीचे मैंने कट करके रखा हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिंपल सा ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है। और इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने में। कॉपी करके आपको वापस रिटर्न अपने ऐप में आ जाना है। अब आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसी चीज़ को। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट कर लोगे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट होने में टाइमिंग लेगा क्योंकि AI जो है उसे अपने तरीके से बना के आपको दिखाता है। सिंपल सा देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो चुका हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको अपना नाम कैसे डालना है। तो यहाँ पे आपको अगर अपना नाम डालना है तो अगर जिस चीज़ को आपने कॉपी किया है, जो भी टैक्स आपने कॉपी किया है उसके अंदर सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो चीज़ चेंजेस करना है। यहाँ पे एक नाम चेंज करना है, और अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अपना जो मॉडल है उसका एज भी रख सकते हो, कितनी एज का वो चाहिए। बच्चा चाहिए तो मतलब 3 से 4 साल का, अगर चाहिए तो 3 इयर्स डालना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा ही बड़ा है तो उसमें बड़ा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल लेता हूँ पहले, तो सिंपल सा मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल लिया। अब यहाँ पे फिर मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो क्रिएट करने देख सकते हो यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि योर इमेज इज बिगनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा आ गया हुआ है इमेज। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे अपने मतलब जैसे तो कुछ इस तरीके से आपको इसे यहाँ पे देख सकते हो 22 आपका यहाँ पे एज रहेगा वो सब दिखा रहा है। यहाँ पे आफ्ताब लिख के आ चुका हुआ है। तो अब हमें सिंपल सा इसे डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे हम डाउनलोड कर लेंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो ट्रिक है जिसके अंदर आप खुद की फ़ोटो लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको भी यहाँ से बैक कर देना है और इसे आपको हटा देना है। इसे हटाने के बाद आपको चले जाना है अपने गूगल या क्रोम में। ठीक है, सिंपल सा हम चले जाते हैं अपने गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रीमेकर AI। यहाँ पे देख सकते हो रीमेकर AI, यहाँ पे आप क्लिक कर लो। क्लिक करें देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब इसे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है,
जैसे आप इसे ओपन कर लोगे कुछ इस तरीके से सर्चिंग लेके आपके सामने ये इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप फेस ऐप्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे नीचे करके ये वाले आप बटन पे क्लिक कर लेना। देख सकते हो यहाँ पे ये वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक कर लोगे। क्लिक करना देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो इमेज आपने वहाँ से डाउनलोड किया उसे अपलोड कर देना है। सिंपल सा यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर दिया। नीचे आपको अपलोड करना है आपके कोई सा भी फोटो, तो मैं यहाँ पे ये वाला फोटो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे ये वाला फोटो अपलोड करूँगा तो ये मेरा फेस इस वाले फोटो में चला जाएगा, मतलब मॉडल के पास मेरा फेस आ जाएगा, मतलब मैं मॉडल बन जाऊँगा और मेरे ऊपर जो मेरा टाइटल का नाम रहेगा वो डाल देगा। फिर इसको मैं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता हूँ, जिससे मेरा जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला और कूल लगने वाला। सिंपल देख सकते हो यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से इमेज क्रिएट हो गया हुआ आपको दिख रहा हुआ यहाँ पे। आप देख सकते हो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फेस लग चुका हुआ है और इससे पहले किसी और का फेस था यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो अपनी सोशल मीडिया पर। इस तरीके की अगर पोस्ट को आप पोस्ट करते हो तो आपको कोई भी फ्रेंड बोलेगा कि भाई कैसे किया मुझे बता, मैं भी करता हूँ, या इसके ऊपर आपको लाइक भी भर भर के आना है। आप इसको स्टोरी पे भी डाल सकते हो। तो सिंपल से आपको यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर लेना है और इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में बिना कोई पैसे के या बिना कोई सब्सक्रिप्शन के। देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।